तो गाइस यार सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोग एक लकड़ाल वाली इवेंट देख सकते हो भाई, बहुत ही ओपी लकड़ाल है। इसके अंदर भाई आप लोग का डबल वेक्टर की जो गन स्किन है उसका भी मतलब जो स्किन है भाई रिटर्न में देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ और भी कुछ M4N की गन स्किन है गाइस, सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे कुछ बंडल वगैरह भी देखने के लिए मिलता है, गुलाल की स्किन भी है, प्रोफाइल एलिमेशन भी देखने के लिए मिलता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारा आइटम आप लोग को इस लकड़ाल के अंदर से देखने के लिए मिलेगा भाई। देखो ये तो एक लकड़ाल मैं दिखा रहा हूँ, इससे भी बढ़िया और एक लकड़ाल है भाई, जिस लकड़ाल को देखोगे ना तो भाई आप लोग मतलब क्या बताओ यार, सीधा आप लोग ऊपर चले जाओगे, ऐसा हो सकता है भाई। बहुत अच्छा अच्छा टाइप का विकेट एम पे गिरना ने लकड़ाल बना के बाहर की सर्वर के अंदर डाल के रखा है। बाकी यार देखो इनमें से 50-50 का चांस है कि इंडियन सर्वर के अंदर आए। देखो 50-50 का मतलब है ये कि अरे यहाँ पे देखो एक तो दिखा दिया, दूसरी वाली यहाँ पे देख सकते हो भाई। आप लोगों को पता है कि ये जो बंडल है भाई आप लोग का बॉडी मार्ट की स्टोर या फिर आप लोग का कुछ इफेक्ट टोकन के अंदर से कुछ ऐसा बंडल इसके जैसा देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका यहाँ पे कुछ और भी आइटम है, जैसे कि यहाँ पे थॉमसन की गन स्किन, यहाँ पे और M4N की गन स्किन देखने के लिए मिलता है। लेकिन एक चीज़ आप लोग नोटिस किए हो शायद भाई, इसके पहले जो मैं इवेंट दिखा दिया लकड़ाल वाली उसके अंदर भाई ये M4N की स्किन था और इस लकड़ाल के अंदर भी M4N की स्किन है। इसका मतलब ये कि आप लोगों का M4N की गन का स्किन बहुत ही जल्दी रिटर्न आने वाला है, ठीक है, ये तो मैं कन्फर्म करके बता सकता हूँ। लेकिन देखो यहाँ पे दो आप लोग को लकड़ाल दिखाया, दोनों में से दोनों ही कंफर्म हो सकते हैं और दोनों कंफर्म नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इंडियन सर्वर के लिए तो कंफर्म होता नहीं है कभी कभी। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो जो रनिंग मट भाई, ये भी मैं आप लोगों को 2-3 दिन तक दिखा के आ रहा हूँ और ये भी बता के रख दिया कि भाई आप लोग को इस मंथ के अंदर अंदर ही देखने के लिए मिल सकता है, इसका चांस बहुत ज़्यादा है इस मंथ को आने की। अगर इस मंथ को नहीं भी आता है तो भाई नेक्स्ट मंथ की एकदम से फास्ट वीक के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। देखो इसके बारे में जब कन्फर्म अपडेट मिलेगा तो आने वाली वीडियोज में मैं आप लोग को जरूर से शेयर करके बता दूंगी। बाकी तो गाइस यहाँ पे जो इमोट है भाई, ये इमोट आप लोगों को कैसी लग रही है भाई मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। मेरे को तो भाई इमोट बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि गाड़ी वाला इमोट यार मतलब साइकिल चलने वाली इमोट और एक मतलब टायर है भाई इसमें तो बहुत अच्छा है भाई। भाई इस तरफ का मतलब टायर वाली आन साइकिलिंग इमोट है भाई ये, तो जो भी है भाई इस टाइप का इमोट वगैरह आप लोग को फेडरी या फिर मोकोस्टर के अंदर से देखने के लिए मिल जाएगा आने वाले दिन में। देखो मोकोस्टर में बहुत ही कम है आप लोग को फेडरी में आने का चांस है। इसके बाद में यहाँ पे और एक न्यू लकड़ाल देख सकते हो भाई, जिसके अंदर से आप लोग को चिकन एक्समेट देखने के लिए मिलेगा और ये लकड़ाल भाई 100% कन्फर्म है आप लोग को 12 तारीख को देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ भाई कोई भी यार मतलब डेट के में 100% कन्फर्म है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। 12 तारीख को गेम के अंदर आप लोग को ये लकड़ाल देखने के लिए मिल जाएगा। लकड़ाल के अंदर से आप लोग का चिकन एक्समेट होगा, उसके साथ साथ एक लूट बॉक्स और एक गेनेट का स्किन होगा, ठीक है। इस टाइप का कुछ हो सकता है, एक गेनेट का स्किन और एक लूट बॉक्स इस टाइप का ही होगा। तो जो भी है भाई देखो आप लोग को एक्समेट का स्किन जो है एक चिकन एक्समेट आप लोग को 12 तारीख को गेम के अंदर लकड़ाल से देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो आप लोग इमोट देख सकते हो भाई, ये इमोट आप लोग को 10 मई को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 10 तारीख को आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे फेड रिलीवमेंट आएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे दो आइटम को रिमूव करना है और स्पिन वगैरह करते जाना है। 9 डायमंड के पहले स्पिन रखोगा, मैं तो यार इसके लिए 18 डायमंड को बचा के रख दिया। अब लोग ऊपर में देख सकते हो ना मेरे आईडी के अंदर 18 डायमंड अभी पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं इसको रख दिया। इसका मतलब यही है कि फास्ट जो 9 डायमंड की स्पिन आएगी उस पर स्पिन करके देखूंगा, अगर निकलता है तो बहुत अच्छा है मेरा, और अगर नहीं निकलता है तो यार क्या करे यार। जो भी है भाई आने वाले 10 तारीख को देखने के लिए मिल जाएगा इमोट। इसके बाद में यहाँ पे टॉप अप इवेंट देखो भाई, ये भी टॉप अप इवेंट कन्फर्म है, आने वाले दिन में आप लोगों को टॉप अप इवेंट भी देखने के लिए मिल जाएगा भाई। यहाँ पे देख सकते हो हाइपर बुक है, हाइपर बुक के साथ साथ यहाँ पे टोकन दिया हुआ है और भाई यहाँ पे टोकन के साथ साथ आप लोग यहाँ पे और एक इवेंट देख सकते हो जो आप लोगों का रिंग इवेंट है भाई। ये रिंग इवेंट भी उस टाइम ही आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। कब देखने के लिए मिलेगा वो भी बता देता हूँ, जब आप लोगों का हाइपर बुक का टॉप अप इवेंट आएगा उसी टाइम गेम के अंदर आप लोग को ये वाला रिंग इवेंट भी देखने के लिए मिल जाएगा। अभी क्यों देखने के लिए मिलेगा बता देता हूँ। देखो इसके पहले भी जब आप लोग का हाइपर बुक न्यू आया था तो उसके टाइम भी आप लोग को इस टाइप का जो रिंग इवेंट है ये भी देखने के लिए मिला था। और बंडल की बात करें तो भाई बंडल भी तो आ रहा है, आप लोगों को पता है ना कि 20 तारीख के बाद बंडल आ जाएगा, तो 20 से 25 इसके अंदर ही बंडल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके पहले आप लोगों में से काफ़ी सारे भाई ने बोले हो कि यार कोई ना कोई ओल्ड बंडल रिटर्न आएगा। हाँ भाई कोई तो ओल्ड बंडल को रिटर्न करना को डालना ही चाहिए, लेकिन भाई देखो आज तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आज 5 तारीख है, लेकिन आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो अभी तो मतलब 6-7 तारीख तो हो चुका है, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं मिली। इसके बाद में यहाँ पे कोबरा बंडल रिटर्न डेट प्लीज़ एंसर मी, उसके बाद में वीआर डे बंडल कब आएगा एंड उसके बाद में लोअर इमोट कब आएगा करके एक भाई ने लिखा है।
फिर दूसरे एक वीडियो की कमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पे भाई ने कमेंट किया है कि कोबरा बंडल फाइनल डेट करके लिखा है। तो देखो अभी तक तो यार कोबरा बंडल क्या, स्कॉर्पियो बंडल के भी फाइनल डेट निकल के नहीं आ रखा है, तो मैं कैसे बताऊँ। इसके बाद में और एक मतलब वीडियो की बात करें तो यहाँ पे भाई हिप हॉप बंडल कब आएगा, विक्रम भाई बनी बंडल रिटर्न्स अपडेट प्लीज पिक माई कॉमेंट एंड बताओ करके लिखा है। गुड मॉर्निंग ब्रो, लेट्स वोट फॉर कोबरा बंडल। उसके बाद में भाई बनी बंडल कब आएगा करके लिखा है। तो बनी बंडल की वीडियो आज की वीडियो तो एंड तक देखो पता चलेगा। इसके बाद में कुछ स्टिकर वगैरह एक भाई ने दिया है और भी एक भाई ने यहाँ पे कुछ स्टिकर वगैरह से दिया है, तो जो भी है भाई। इसके बाद में और एक दूसरे वीडियो का कमेंट है, इसके अंदर यहाँ पे कमेंट किया है कि वोट फॉर स्कॉर्पियो बंडल रिटर्न। एंड उसके बाद में एक और भाई ने कमेंट किया कि FFWS इवो बंडल रिटर्न करके। तो देखो आप लोगों का बहुत सारा अभी टाइम पे कमेंट आ रखा है, तो जो भी है भाई। इसके बाद में हम लोग यार नेक्स्ट इवेंट की बात करें तो कैसे यहाँ पे देख सकते हो जोम्बी सामुराई इवेंट। भाई अब में से काफ़ी सारा भाई ने मेरे को इसको लेके भी कमेंट किए थे पिछले वीडियो के अंदर कि यार विक्रम भाई सामुराई बंडल रिटर्न कब आएगा, सामुराई बंडल कब आएगा। तो फाइनली भाई सामुराई बंडल बाहर की जिस सर्वर के अंदर से मैं वीडियो बनाता हूँ उस सर्वर के अंदर रिटर्न आ चुका है भाई। यहाँ पे देख सकते हो भाई एकदम से ओपी टाइप का इवेंट के साथ जोम्बी सामुराई को रिटर्न किया है भाई गिरना। यार देखो गिरना बाहर की सर्वर के अंदर मतलब ये जोम्बी सामुराई को मतलब एक साल के अंदर 2 से 3 बार रिटर्न कर दिया, लेकिन हमारा इंडियन सर्वर के अंदर मेरे को पता नहीं चलता कि एक बार भी की रिटर्न नहीं आया भाई। भारत के सर्वर के अंदर जहाँ से 1 साल के अंदर 2 बार रिटर्न 3 बार रिटर्न आ जाता है, तो हमारा इंडियन सर्वर के अंदर एक बार देने में से क्या गिरना को इतना मतलब इवेंट का मतलब भूखा पड़ जाएगा, मेरे को ये पता नहीं चलता है। बाकी जो भी है आप लोग मेरे को एक चीज़ कॉमेंट में ज़रूर से बताना कि भाई आप लोग भी तो जोम्बी समुराई निकलना चाहते हो ना, आप लोग भी इनके लिए वेट कर रहे हो। लेकिन देखो अभी के टाइम पे अगर बात करूँ इंडियन सर्वर के लिए तो भाई देखो भाई दूर दूर तक अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं मिल के रखा है, अभी तक इसका कोई भी अपडेट नहीं है। लेकिन आने वाले दिन में इसका अपडेट बहुत ही जल्दी मिलेगा क्योंकि इसको लेके एक टॉप अप इवेंट भी आया है। ये टॉप अप इवेंट आप लोग देख सकते हो, ये टॉप अप इवेंट इस टाइप का कुछ आया है कि गेट बोनस अप टू 125 डायमंड। अभी यहाँ पे 125 डायमंड क्यों लिखा है, यहाँ पे 125 डायमंड की मतलब यहाँ पे सॉरी 250 डायमंड की टॉप अप करोगे तो इसके बदले में आप लोगों को 125 डायमंड मिल जाएगा भाई। यही है आप लोगों का टॉप अप इवेंट। तो इससे टॉप अप करके फिर आप लोग जाके जोम्बी समुराई इवेंट के अंदर से स्पिन करके उसको निकाल सकते हो। इनके लिए एक अलग से आप लोगों को टॉप अप इवेंट भी दिया हुआ जा रहा है। तो देखो भाई आने वाले दिन में शायद मैं आप लोगों को इस तरफ का टॉप अप इवेंट के साथ साथ जोम्बी समुराई बंडल को भी रिटर्न में कर दिया हुआ जाएगा। अगर इंडियन सर्वर के लिए जोम्बी समुराई का कोई भी और नया अपडेट मिल के रखता है तो भाई आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को जरूर से शेयर करके बता दूंगा। बाकी तो भाई आप लोग जोम्बी समुराई निकलना चाहते हो क्या, कमेंट में मेरे को जरूर से बताना। एंड उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो ड्रैको एक है भाई, अब में से काफी सारा भाई ने अभी इसको लेकर मतलब बहुत ज्यादा कमेंट किया यार विक्रम भाई ड्रैको एक रिटर्न कब आएगा, ड्रैको एक कब आएगा। तो भाई देखो ड्रैको एक फाइनली भाई बाहर के सर्वर के अंदर रिटर्न आ चुका है और सिर्फ भाई इवो वर्ल्ड नहीं, यहाँ पे इसको अलग से इवेंट के अंदर से दिया है जैसे कि ब्लू फ्रेमी ड्रैको करके नाम है इवेंट की, और इवेंट के अंदर सिर्फ के सिर्फ ड्रैको एक ही है और इनको निकलने में 2000 डायमंड लगेगा, ठीक है ज़्यादा नहीं लगेगा, 2000 डायमंड लगेगा इसको निकलने में। जैसे आप लोग यूवो वर्ल्ड के अंदर स्पिन करते हो वैसे स्पिन यहाँ पे भी दिया हो जाएगा आप लोगों को। लेकिन एक चीज़ और है भाई, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सस्ता देखने के लिए मिलता है, 5 स्पिन 390 का है, 390 मतलब 40 डायमंड की 5 स्पिन दे के रखा है। तो ऐसा नहीं होगा भाई इंडियन सर्वर के अंदर 40 डायमंड की 5 स्पिन करेगा तो भाई यार मतलब क्या बताओ, कुछ बताने का जैसा है ही नहीं, आप लोग तो सब कुछ समझ सकते हो भाई। इतने सस्ते में तो गिरना कभी भी आप लोग को ईवो गन्स को देगा नहीं। बाकी भाई आने वाले दिन में ड्रैको एक आप लोग को बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलेगा, हालांकि आप लोगों को ईवो वर्ल्ड के अंदर से ही देखने के लिए मिलेगा। इस टाइप का कोई यार ब्लू फ्रेम ड्रैको करके जो इवेंट है इस टाइप से देखने के लिए आप लोगों को नहीं मिलने वाली। देखो ड्रैको एक ही आता है तो भाई जुलाई मंथ के बाद आएगा, उसके पहले नहीं, ठीक है जुलाई अगस्त इसके बाद ही ड्रैको एक आप लोग को रिटर्न आ सकता है। अभी के टाइम पे इसको आने का चांस बहुत ही कम है, अभी के टाइम पे ड्रैको M10 रिटर्न आ चुका है। तो ड्रैको M10 से पहले आप लोग का ड्रैको M4 रिटर्न आया था, अभी शायद में नेक्स्ट मंथ को भी आ सकता है ड्रैको एक, क्योंकि अभी के टाइम पे जितने भी इवो का नाम आ रहा है सब ड्रैको ड्रैको करके ही नाम है। तो देखते कि नेक्स्ट इवो वर्ल्ड के अंदर गिरना ड्रैको एक का देता है क्या नहीं, लेकिन मेरे को लगता है क्या नेक्स्ट इवो वर्ल्ड के अंदर गिरना ड्रैको एक को दे भी सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पे सब ड्रैको ड्रैको करके नाम आ रहा है, ड्रैको M4, उसके बाद में ड्रैको M10-14, अभी ड्रैको एक ही। इसके बाद में हम लोग बात करें कि आप लोग का जो बनी मंडल है ना भाई इसके बारे में, अब में से
बहुत ही सारा भाई ने मेरे को इसको लेके कमेंट किया, बहुत सारा भाई ने। देखो भाई अगर बन्नी मंडल की अगर कंफर्म अपडेट कहूँ तो भाई मैं आप लोग को एक बात बहुत दिन पहले ही बता दिया था, देख कि आप लोग देखना कोई भी यूट्यूबर बता रहा है कि अगर बन्नी मंडल इस दिन को आएगा तो देखना उस दिन को नहीं आएगा। भाई सच में ऐसा दो तीन बार हुआ है, इसके लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखो यार बड़े बड़े यूट्यूबर लोगों के पास ये पता चला है कि आप लोगों के पास अभी के टाइम पे बन्नी मंडल की अगर मैं अपडेट दूँ तो भाई अभी के टाइम पे सच में बोलूँ तो भाई अगस्त मंथ से पहले आप लोगों को बन्नी मंडल रिटर्न में देखने के लिए नहीं मिलने वाले, ठीक है। अगर आता है तो भाई OB45 अपडेट के बाद देखने के लिए मिलेगा, अदरवाइज उसके पहले आने का चांस बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है उसके पहले आने का चांस। लेकिन कोई अगर आता भी है तो एक ही बन्नी मंडल आएगा, यहाँ पे जो तीन मंडल पेंडिंग पड़ा हुआ है और एक न्यू मंडल है, उन चारों में से एक ही बंडल आप लोग को देखने के लिए मिलेगा आने वाले दिन में, अगर मतलब अगस्त मंथ के पहले आता है तो। और अगर अगस्त मंथ के पहले नहीं आता है तो अगस्त मंथ के बाद आप लोग को जितना भी बने मंडल है उनका आप लोग को फिर से एक नया रिंग इवेंट देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर से आप लोग जैसे अभी के टाइम पे गोल्डन शर्ट का बंडल का रिंग इवेंट देखा ना भाई, उस क्रॉचिंग वाला इवेंट आया था, तो उसी टाइप से कुछ बने मंडल को आप लोग को दे दिया हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे भी कोई भी ओल्ड बने मंडल रिटर्न में नहीं डालेगा, पहले से ये बात बता दिया, ठीक है। अभी आप लोग को ओल्ड बने मंडल रिटर्न निकलना है तो भाई इनके लिए वेट करना पड़ेगा, निकल न्यू वाला निकलना है तो भाई आप लोग 7th एनिवर्सरी तक वेट कर सकते हो। 7th एनिवर्सरी तक आप लोग वेट करोगे तो उसके बीच में कभी ना कभी आप लोग को बने मंडल की कोई ना कोई इवेंट देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी तो भाई यार आज की इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और आज की वीडियो बहुत ही छोटा बनाए हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मेरे को ये कमेंट बहुत ज़्यादा करते हो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसके लिए। तो जो भी है भाई आज की वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो जरूर से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और भाई दोस्तों के साथ शेयर करना तो एकदम से भूलना मत यार, आप लोग शेयर भी नहीं करते हो इसके लिए व्यूज़ भी कम आ रहा है, तो थोड़ा सा शेयर कर दोगे तो मतलब भाई का थोड़ा सा सपोर्ट भी हो जाएगा। देखो मैं आप लोगों को इतना तो सपोर्ट करने के लिए बोलता नहीं हूँ, और मैं कभी भी इतना अच्छे से बताता भी नहीं हूँ। तो जो भी है भाई आज की वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे।